गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। हमें क्यूब रूट निकालने हैं, उसमें टू डिजिट के भी हो सकते हैं, थ्री डिजिट के भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता भी है और जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। वो क्या है, 6, 8, 9, 2, 1। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि हम उस नंबर को फिर मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो ये होना चाहिए, मतलब इसकी पावर 1/3। ठीक है, हम बताएंगे करते हैं कैसे होगा। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं 3-3 के। इसमें मैंने 3 का पेयर बनाया और लास्ट में जो नंबर बच गया उसका पेयर। एक बार समझ लो क्या है इसमें। सबसे पहले जिसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है उसमें हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। हमने पेयर बनाया पीछे से, यहाँ पे 3 नंबर्स का पेयर हुआ, उसके बाद क्या है 2 नंबर्स का बच गया। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए इससे पहले ऐसे लिख लो यहाँ पर 6, 8, 9, 2, 1। ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर हो उस पेयर को देखना है कि ये वाला नंबर, ये वाली जो वैल्यू है ये किस से कम है। इसमें से देखना कि फर्स्ट पेयर आपके कौन सी वैल्यू से कम आ रही है। 68 देखिए यहाँ पे कहाँ है 68, इससे जो 125 है इससे कम है। तो 125 से जब कम हो तो हमें ये वाला नंबर पकड़ लेना है। 68 इससे कम है तो नंबर क्या आ गया, 4। तो हमारे फर्स्ट डिजिट होगी 4। हमें 4 का क्या करना है, यहाँ लिखना है 4, हमने यहाँ लिखा। उसके बाद क्या होगा, इसमें से माइनस करना है इसकी पावर 3। 4 की पावर 3 होती है, क्या होती है, 64 मैंने यहाँ लिखा। कितना बचेगा, 8 - 4, 4। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी, हमें एक एक नंबर नोट करना है। यहाँ पे मैंने 9 नोट किया। देखिए इसमें क्या है, 68 लिखने के बाद में 1, 2, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आप ऐसे 3 बना लो, ये 1, ये 2 एंड लास्ट 3। अगर यहाँ पे 4 हो ना, कि 1, 2, 3, 4, फर्स्ट पेयर लेने के बाद में जितनी डिजिट बचेगी उतने आप ऐसे बना लो। यहाँ पे कितनी डिजिट बच रही है, 1, 2 और 3, कितनी, 1, 2 और 3। तो आप ऐसे 3 कॉलम बना लो। उसके बाद हमारा हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालने के लिए एक ट्रिक चलेगी। वो क्या ट्रिक है, कि यहाँ पे लिखा मैंने 4 की पावर 3, अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 3 × 4 की पावर 2। फिर क्या आएगा, 3 × 4, और यहाँ पे मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे तो क्या पावर कम हो रही है, देखो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें पावर बढ़ेगी। ठीक है, अभी हम करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसे हम देख कर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। 68 किसके क्यूब से कम है, 68 125 से कम है, तो नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और फिर इसको देख के बता देंगे कि हमारा जो सेकंड जो आंसर आएगा, सेकंड जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब वन हो ना तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 हो तो 5 आएगा, 6 हो तो 6 आएगा, 3 हो तो 7 आएगा। ओनली इन दोनों में ही हमारा जो आंसर है अलग आता है, उसके अलावा जो भी नंबर है वो का वही रिपीट होता है। 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 2 का 8। केवल किस में चेंज आ रहा है, 2 और 8 में, 2, 8, 3 और 7, केवल इन नंबर में ही चेंज होगा। इसके अलावा सारे नंबर सेम चलेंगे। कैसे, 9 में 9 आ गया, 6 में 6 आ गया, 5 में 5, 2 में 8, किस में चेंज हुआ, केवल इन में, जो 8 के साथ तो 2 आएगा और 2 के साथ 8 आएगा। कैसे, 2 के साथ तो 8 आया और 8 के साथ 2 आया। लास्ट डिजिट को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि आंसर की लास्ट डिजिट कौन सी होगी। इसमें क्या है, इसमें 1 है। जब 1 हो तो हम क्या नोट करेंगे, 1 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 का जब हम क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, अभी हम करते हैं तो आपको आ जाएगा। 3 × 4 का स्क्वायर, हम करेंगे
वन से, फोर का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 होता है 48, कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। अब हम नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे, क्या आएगा 2। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया कि यहाँ पर पावर बढ़ेगी, यहाँ 1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 4 था 12, 12 इंटू 1 किया तो कितना आया 12, माइनस किया 0। नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे तो कितना आएगा 1। अब क्या आएगा, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर क्या आ जाएगी 3, ये जो पार्ट था ये यहाँ पर गायब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब होता है 1, कुछ भी नहीं बचा। हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 41। इसमें मैंने क्या किया देख लो एक बार, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेयर है उस पेयर को हमें देखना है कि ये पेयर किसके क्यूब रूट से कम है। देखिए 68 यहाँ पर आ रहा है, इनके बीच में आएगा तो हम इससे छोटा वाला नंबर लेंगे ये वाला, इसे लेने के बाद में यहाँ पर ये नंबर लिख लेंगे, यहाँ पावर आई 3, फिर यहाँ पर पावर आई 2, यहाँ पावर 1, पावर यहाँ पे कम होती जाएगी और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा हम इसको देखेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट डिजिट को देख के पता लगेगा। देखिए अगर 1 हो तो 1 आएगा, 5 हो तो 5 आएगा, 6 हो तो 6 आएगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना इसमें ही 8 आ जाए तो 2 आएगा, 7 आ जाए तो 3 आएगा, अगर यहाँ पर ये नंबर आ जाए ना तभी ये नंबर आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लो इस चीज़ को, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है 314 432, तो मैंने बताया कि इसमें क्या है हमको पेयर बनाने हैं, इसमें हम पेयर बनाएंगे 3-3 के पेयर। अब क्वेश्चन को देखते ही आपको ये बता देना है कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। देखिए आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 314 जो 314 है 314 ये वाला नंबर किसके नंबर से कम है। देखिए यहाँ पर 314 कहाँ आएगा, 314 किसके बीच में आएगा, 314 यहाँ आएगा, तो इससे छोटा वाला नंबर ले लेना, इससे छोटा वाला नंबर क्या है 6, तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या है यहाँ पे है 2, तो मैंने बताया कि अगर 2 हो तो 8 आएगा, 3 हो तो 7 आएगा, यहाँ पे क्या आता है यहाँ आता है 2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 68। ये तो हो गया आंसर। अब हम इसको करेंगे कैसे, इसे डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या आंसर आने वाला है, तो वही ट्रिक हमारी, हमें इससे नोट करना है यहाँ पर ऐसे 314 432। अब क्या होगा, ये नंबर किसके क्यूब से कम है, ये नंबर 343 के क्यूब से कम है, तो हम इससे ऊपर वाला नंबर लेंगे ये वाला, यह क्या है यह है 6 की पावर 3, तो माइनस करेंगे 6 की पावर 3, कितनी होती है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखो उसे यहाँ पे नोट कर लेना 6। अब 6 की पावर 3 होती है देखो 216, ये इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस 6 8, 9 माइनस 1 8, एंड लास्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक सेकेंड 10 माइनस 1 9, एंड यहाँ पे हम नोट करेंगे 4। अब क्या होगा देखो, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था कि 3 इंटू इसका स्क्वायर और इसको देख के हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है, 2 आए तो आएगा 8, ठीक है इसे आप करना। ये नंबर हमने नोट कर लिया, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 8 थीज़ा 24 से, 6 का स्क्वायर होता है 36, देखिए एक बार 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 8 इंटू 3 24, अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 6, 24 का 4 कैरी 2, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14, एंड लास्ट में 2 इंटू 6 12 कैरी 1, 1 2 3 6, 6 प्लस 1 7, कितना आया 4 6 एंड 8, कितना आ गया ये 8 6 4 8 6 4, आप यहाँ नोट करना, उसके बाद क्या होगा ये माइनस कर लेना 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 6 2, एंड 9 माइनस 8 1, फिर ये नंबर नोट करना है हमें, ये नंबर क्या है 3। मैंने बताया कि 6 की पावर 3, 6 की पावर 2,
अब क्या होगा, देखिए पावर कम हो रही है, 6 पावर 3, 6 पावर 2, अभी क्या आ जाएगा, 6 पावर 1 इंटू रहेगा 3, इसमें पावर बढ़ेगी, तो इसमें पावर 1 है, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 2। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 इंटू करेंगे हम 18, 64 इंटू 18 किया तो क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 × 4 = 32 कैरी 3, 8 × 6 = 48, 48 × 3 = 51 एंड 64, तो 2 5 11, क्या नंबर आया, 1152। देखिए थोड़ा सा लेंथी है, इसमें जो जो ट्रिक चलेगी वो वैसे ही चलेगी कि हमें ये नंबर देखना है, ये नंबर देखने के बाद हमें चेक करना है कि ये वाला नंबर किसके क्यूब से कम है, जिसके भी क्यूब से कम हो तो उसे नंबर को यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पावर 3 आई, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको देख के हमें लास्ट डिजिट को देख के पता लगाना है कि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो हम 8 से करेंगे, किससे करेंगे, 8 से करेंगे, अगर यहाँ 3 होता तो हम 7 से करते, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 1 का 1, 3 का, यहाँ पे 3 का तो 7 है जो मैंने बताया, 6 का 6, 8 का 2, 9 का 9, इसे देख लेना कि इस नंबर को देख के, लास्ट नंबर को देख के हमें पता लगाना है, लास्ट नंबर को देख के हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो 1 एंड 10 - 5 = 5, ये नंबर आप नोट करेंगे हम 2। अब मैंने बताया कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 512, 8 का क्यूब क्या होता है, 512, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, इसे नोट कर लो, और ये रफ वर्क है, समझ में आया, थोड़ा सा ये टिपिकल है, एक सेकेंड, अगर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि ये नंबर देखना है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये नंबर किसके क्यूब से कम है, उस नंबर को लिख के हमें यह लिखना है, यहाँ पावर 3 आएगी, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, और यहाँ पर इस डिजिट को देख के हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है, 2 है तो क्या होता है, देखिए 2 कहाँ है इसमें, 2 है यहाँ पर, इस 2 यहाँ पर 8, तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए आएगा 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर एंड 8 का क्यूब, ठीक है, ये ईजी है, इसे नोट कर लेना। अब क्या ये क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन से भी आसान है, क्यों इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान है, और क्या है ये बहुत इजी है। तो क्या होगा, देखिए हमने इसके क्या किया, 3 पेयर बनाए, अब क्या करना है, हमें देखना है कि फर्स्ट वाला पेयर किस से कम है, देखिए जो 200 है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ आएगा बीच में, यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा, हमें इससे छोटा वाला, अब ये वाला लेना है हमें, क्योंकि 216 से ऊपर जो है ना इसमें आएगा ये नंबर यहाँ पर, तो हमें इससे छोटी वाली वैल्यू लेनी है 5, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 का क्यूब, यहाँ पर ये मैं नोट कर लेता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है 200, 201 एंड 625। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पावर क्या है, पावर 3 है, फिर क्या आएगा, 3 × ये जो भी है ना उसमें पावर 2 कर देना, फिर क्या आएगा, 3 × पावर 1, मतलब पावर 3, पावर 2, पावर 1, इसमें तो पावर कम होती जाएगी और यहाँ पर जो नंबर है ना उसमें पावर बढ़ती जाएगी, तो ठीक है हम करते हैं, इसकी पावर हमने 3 माइनस की, तो 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 × 5 × 5 करेंगे तो आएगा 125, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 125, लिख दोगे। अब जब हम 200 में से 125 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 एंड 9 में से 2 लेस हुआ 7, फिर एक नंबर हमको नोट करना है, तो क्या आया, 2। यहाँ पर आने के बाद हमें देखना है कि 3 × 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 3 × 25 कितना आएगा, 75। अब मैं 75 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 75 को 1 से करे, 2 से करे, 5 से करे, किससे मल्टीप्लाई करे कि इससे वैल्यू छोटी है, तो हम करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 8, कर करके देखना कि 5 × 5 = 25 किया तो कितना आया, 75। अब 75 को आप मल्टीप्लाई करके देखना 1 से 2 से 3 से 4 से, तो हम देखेंगे कि 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 600, और हम 9 से करेंगे ना तो वैल्यू आगे ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं,
टू माइनस जीरो कितना आया टू, एंड फाइव माइनस जीरो फाइव, सेवन माइनस सिक्स वन। अब जो उसमें किया था वैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये वैल्यू नोट करेंगे, ये कितनी है, ये है जीरो। इसमें पावर कम हो रही है तो इसमें पावर बढ़ेगी। यहाँ हम क्या करेंगे, एट की पावर टू कर देंगे, एट इंटू एट कितना होता है 64, 64 इंटू 15, 64 इंटू 15 क्या होता है देखते हैं, हम करते हैं 64 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 4 60, कैरी 6, 15 इंटू 6 90, 90 प्लस 6 96, ये कितना आया, ये आ गया 960। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, ज़ीरो में से ज़ीरो हुआ ज़ीरो, 12 में से 6 गया 6, एंड 14 माइनस 9 5। अब जो हमने उसमें किया था, अब हम ये नंबर नोट कर देंगे, ठीक है, ये कितना है 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो पावर क्या आएगी, पावर 3। इतना क्लियर है क्या, यहाँ पावर आ गई 3। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, इसकी पावर 3, 8 की पावर 3 क्या होती है 512, 8 की पावर 3 क्या होती है 512। ये नंबर आपको याद करने हैं, ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कितना आ जाएगा 500, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ 512, तो कितना बचेगा 11 माइनस 2 9, 9 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 5 0, एंड 5 का 5। फिर नंबर हम नोट करेंगे, ये नंबर नोट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा 6, क्योंकि नंबर अब नोट करना है। अब क्या हुआ देखिए, 3 इंटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर आएगा ये पहले क्या था 5, फिर नंबर क्या आया 8, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 58 के स्क्वायर से। यहाँ पे जो दो नंबर आ जाए इस स्टेप में आने के बाद 58 के स्क्वायर से। अब 58 का स्क्वायर होता है 3364, 3364 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना कैसे, 58 का स्क्वायर होता है 3364। अब 3364 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 4 12 कैरी 1, 3 6 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, एंड 3 3 9 प्लस 1 10। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब ये है कि आपको पता नहीं पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा, इस नंबर को देखेंगे हम कि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 5। तो जब लास्ट में 5 आ जाए तो हमें देखना है कि लास्ट में अगर 5 हो तो 5 ही आएगा, लास्ट में 5 हो तो 5 ही आएगा, तो ये नंबर क्या आने वाला है, ये नंबर आएगा 5, कि आप यहाँ पर 5 ले सकते हैं। इस लास्ट डिजिट को देख के पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर आएगा 50, आप इसको मल्टीप्लाई करना 50 एंड 460 मल्टीप्लाई करना आप। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ कि 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 4 4, एंड लास्ट डिजिट हम यहाँ पे नोट करेंगे इसके बाद की डिजिट, ये डिजिट क्या है 2। देखिए यहाँ पे पावर थी 58 पावर 2, और यहाँ पे क्या आएगी 3 इंटू 58 और 5 की पावर 2, 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 75। अब 75 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करना खुद 436 एंड 435 एंड 0। मैंने इसमें क्या किया कि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू ये नंबर करना, आप खुद करना इसको 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 1, एंड लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है 5, ठीक है। अब हमें क्या माइनस करना है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, पावर बढ़ेगी यहाँ पर कि 5 की पावर 3 क्या होती है, देखिए 5 की पावर 3 होती है 125, तो 125 हम यहाँ लिखेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि क्या होता है, हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन हमने डायरेक्ट आपको बता दी। इसमें क्या है कि इसको देखते हुए हमें देखना है कि सबसे पहले तो हम पेयर बनाएंगे। एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद देखेंगे कि फर्स्ट जो पेयर है, फर्स्ट पेयर किससे कम है, फर्स्ट पेयर देखिए इससे कम है, इससे कम है, तो हमने 5 ले लिया, 5 यहाँ पे लेने के बाद में 5 की पावर 3,
फिर क्या है 3 × 5 की पावर 2, फिर क्या आएगा 3 × 5, इसमें तो पावर कम हो रही है। और यहाँ पे क्या किया कि 5 × 2 क्या है 25, 25 × 3 किया तो 75। अब हम 75 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा नंबर इससे छोटा आना चाहिए, इससे नंबर बड़ा नहीं आ जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर आएगा 8, 8 आने के बाद फिर हम करेंगे आगे, फिर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आके अटक जाओगे कि हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें। तो आप इस लास्ट डिजिट को देखना, और लास्ट डिजिट को देखने के बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे नंबर कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 5 था, तो 5 से 5 आ गया, यहाँ पे लास्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आज का क्यूब कंप्लीट हुआ। जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसके मैंने आपको 9 एंड ये क्वेश्चन करवा दिए है, 9, 11 एंड लास्ट ये था 16 नंबर। तो इसके आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।